टंकी भर गई है, बंद नहीं की इन लोगों ने। नौमी बंद करा दो बेटा पानी। मौसम देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत रोशनी है। और मालूम है कितना, 7 बज रहा है, करीब 7 बज रहा है, बज चुका होगा, बहुत ज़्यादा रोशनी है। और यहाँ बैठेंगे, ये मेरे भगवान जी रखे हुए हैं, ये देखिए है ना, और अंधेरा बिल्कुल नहीं है। अभी जाएंगे, अभी ना व्रत वाली सब्जी और पूरी बनी थी, तो सबको बहुत पसंद है। मेरे यहाँ ना नॉर्मल दिनों में भी हम लोग बना के खाते हैं, कभी आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। जिसने ना व्रत वाली सब्जी जो हमने बनाई, आपके साथ रेसिपी डाली हुई है, आलू टमाटर की सब्जी और पूरी, तो वो ना आपको नॉर्मल में आप खाइएगा ऐसी बना के, जो आटा होता है उसकी पूरियाँ बना लीजिए, और जो है आलू टमाटर की सब्जी सिंपल सी जो हमने रेसिपी डाली हुई है वो आप बना के खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो जो खाता है ना वो कहता है सच में, मतलब एकदम देखिए हल्के का हल्का, यानी कि सब्जी की बात कर रहे हैं, हल्के की हल्की सब्जी, कोई मसाले नहीं उसमें, और ज़्यादा तेल वगैरह भी नहीं होता है, और कोई लागत भी नहीं लगती, यानी कि आपको सस्ते में ना बहुत अच्छी रेसिपी है ये, आप लोग ट्राई करिएगा। कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और ना इन चीज़ों से आपकी ना, आप जैसे बना के खा लेंगे और फिर ये नहीं लगेगा आपको बहुत हैवीनेस आ गई, ऐसा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी लगती है। तभी बनाने वाली हूँ, मेरे यहाँ सबकी फेवरेट है, सारे लोग मेरे यहाँ खाते हैं, बस इनका थोड़ा सा ये रहता है, ये सब चीज़ें कम पसंद करते हैं, यानी कि मसाला वगैरह खाते हैं ना सब्जियों में, तो इनको कम पसंद आती है, बाकी पापा और मेरे नंदों को तो बहुत पसंद है। तो ना मोनी के लिए स्पेशल बन रही है, और आपको आज मेरे वीडियो पे एक नए लोग और देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्ट जयपुर से आए हुए हैं, और वो बोल रही हैं दीदी हैं बहुत मस्ती करती हैं, मेरी नंद लगती हैं, मोहल्ली की हैं जो है, नंद है मेरी वो, और तो वो जयपुर से आई हैं, बोल रही हैं ना तुम्हारे घेवर को देख के आए हैं, कि ना हमने तुम्हारा घेवर देखा ना, तो घेवर को देख के आ गई, कह रही हमने वहाँ से नहीं खरीदा, हमने उसको डायरेक्ट खाएंगे अंजलि के पास जाके, बड़ी हैं वो हमसे, तो जो है नाम लेती है मेरा वो। और जो हमने आपको कड़े दिखाए थे एक वीडियो में, सॉरी कड़े नहीं, चूड़ियाँ दिखाई थी और सिंदूर का बॉक्स दिखाया था, वो उन्होंने भेजा था जयपुर से, तो जब भी आती है ना कुछ भेजती हैं, या कोई जो है कोई आता उनसे भेजती हैं, या जब आती तब लेके आती हैं, तो वो आई हुई हैं, थोड़े दिन रुकेंगी तो वो भी खाएंगी, अभी वो भी दिखेंगी आपको मेरे घर में, तो बस जाएंगे नीचे खाना पीना बनाएंगे, बहुत सारी बातें हो गई आपसे। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हैं आप लोग। और देखिए लगेज आपको दिख रहा है, यानी कि कोई आया हुआ है मेरे घर में। हमने आपसे लास्ट वीडियो में बोला हुआ था मेरी नंद आने वाली है छोटी वाली, तो वो आ चुकी हैं, और देखिए ब्लैक सूट में जो आपको दिख रही हैं, प्रीति से गले मिल रही है, मेरी छोटी वाली नंद है, इनका नाम दीपा है, और पहली बार आप लोग मेरे वीडियो में सामने से देख रहे हैं इनको। और मेरी शादी में ना बहुत छोटी सी थी, एक्चुअली बोलेंगे बच्चा थी, मुश्किल से 6 या 7 साल की रही होगी ये, और मेरे हाथों से पाली पोसी हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा लाडली है ये हम लोगों की, क्योंकि बच्चा जो आखिरी बच्चा होता आपके घर का वो प्यारा होता है कहीं ना कहीं। और ये मोनी बैठी है, हेयर स्टाइल आपको दिख रही होगी मोनी की, हम सब लोगों ने ना मेकअप करके इनका वेट किया दीपा का। और देखिए पिंक सूट में जो आपको दिख रही हैं, साइड में बैठी हुई हैं, ये दीदी हैं, ये जयपुर से आई हुई हैं, जो अजीम आपने मेरे वीडियो में देखे हुए हैं, अजीम की बुआ, देखिए मम्मी ने मेकअप कर रखा है, दीपा वही हंस रही है, कह रही तुम लोग बहन मेरा वेट कर रहे थे कि मेकअप करके बैठे हुए थे। और देखिए ये रुद्रांश जी हैं, इनके पापा ने इनका नाम रुद्रांश जी रखा है, और मामी के ये समर्थ जी हैं, यानी कि मामी ने इनका नाम समर्थ जी रखा है, दो दो नाम है इनके, एक पापा ने रखा एक इनकी मामी ने रखा। करीब 1.5 साल के हैं, और दीपा भी करीब 1.5 साल बाद ही आई हैं, 2 साल होने वाले हैं लगभग दीपा को। और नौमी के हेयर स्टाइल देखिए, अपने भाई को ना इतनी
बड़ी हेयर स्टाइल के साथ में खिला रही हूँ, और ये अपनी ना मोहल्ले में जो चाची लगती है उनसे बनवा के आई हुई हेयर स्टाइल। और देखिए खेल रहा है, ये यहाँ सख्ते में आया हुआ है इस समय, इसको पापा नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली अकेली रहती है दीपा, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। दीपा के बस ससुर जी हैं और दीपा के हस्बैंड और दीपा हैं, बहुत लोग इनको दिखते नहीं हैं। और यहाँ पर ना एक सारे लोग, बहुत सारे लोग इनको एक साथ खिला रहे हैं, तो वो सोच रहा है इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कहाँ से आ गई है। और पापा कह रहे हैं कि उसको लग रहा होगा कि वो कहाँ आ गया है। बहुत हंसी हो रही थी यहाँ पे, वो सबको एक तक देखे जा रहे थे। समर्थ जाओ नहा लो, आपकी एंट्री धांसू होनी चाहिए। ये देखिए जयपुर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लो ये लो। नहीं कल के ब्लॉग में नहीं आई ना, दीपा हमने देखा भी नहीं। ये भी चूड़िया चूड़िया सब कुछ बकायदा इनका कर लो। आप कहाँ से आई हैं? हम पूना से आए हैं। हम पत्रिका कहाँ से आए हैं? नहीं नहीं यार कहाँ से आई हैं? नहीं ये पूना है, ये जयपुर है, और ये क्या है? नेपाल। नेपाल प्रीति ऋषिकेश पंजाब कभी गए नहीं है ना, ना गए। रुको रुको, और आपका? हम आए पाकिस्तान कराची से। कराची अंदरूनी मुल्क से बहुत आई भी है ये। दीपा सुबह से तैयार हो रही है। मेरी याद में तुमने इतना किया। अच्छा ये कर सकता है, नहीं पाते हैं। अजीम नमस्ते, आप तो करते नहीं, तो हम ही कर ले। अब इनकी हंसी निकली है। ये नीचे रखो सामान, दीदी और ये देखिए यहाँ पे दाल है, बड़े बन रहे हैं, सांभर बड़ा बनाता, डोसा बनाता, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। और मोनी ने बनाया था सारा खाना, मोनी ने बनाया था। मोनी बोली भाभी रोज़ हमें बना के खिलाती हूँ, आज हम अपनी बहन को बना के खिलाएंगे और तुमको भी उठा के खिलाएंगे। और सच में हमने कोई भी काम में हाथ नहीं लगाया, सारा काम मोनी ने किया। देखिए ये स्टाइल देखिए इनकी बनाने की, एक्चुअली तरीका काफ़ी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए उन्होंने बड़ा ना कटोरी में बनाया, हल्का सा ऑयल लगा के देखिए इस तरह छुटा रही, ये छूट रहा था, हल्की सी चाकू से ये निकाल रही थी, एक्चुअली अपने से नहीं निकल रहा था, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी गाइस मम्मी खा रही हैं, मैं खाए जा रही हूँ, मम्मी देर से देख रहे हैं। अब वो अब सारी काम कर देंगे अंदर, बुआ काम कर रही हैं, मम्मी सब खा रही हैं बैठ के। अब पटोरा कर रही थी पहले, पूछ ले कौन जी आज भी नहीं निकल रही। ब्लॉग हो रहा है जी, चढ़ने नहीं है मेरा है, अधूरा क्यों है? खाने जा रहे थे मोहन अभी। हाँ बुआ तो बोलती नहीं, हमको पहचानती नहीं। तुम एक बार इनके साथ हम लोग आए थे, तुम भूल गई हो क्या? नहीं नहीं। और ये देखिए यहाँ पे ना बिटिया दीदी है, इनको हम ना बिटिया दीदी बोलते हैं, इनका नाम हमें एक्चुअली में पता नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, दीदी बोलते हैं। और वैसे ना इनको बिटिया दीदी कह के बुलाते हैं हम लोग, क्योंकि घर में इनको ऐसे ही बुलाते हैं ना, इस वजह से। देखिए चटनी है, सांभर है, बड़ा है, और डोसा देखिए इसी तरह हम बनाते हैं ना, आपको दिख रहेंगे। और देखिए यहाँ पे भाई भाई का प्रेम और भाई बहन का प्रेम, नौमी ने कैसे चिपका रखा है समर्थ को। मेरे यहाँ वासु नौमी ना बच्चों को बहुत प्यार से खिलाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये लोग प्यार करते हैं। देखिए आरव हमारे यहाँ कितने बड़े हो गए, आरव जी हैं, और ये मोनी के बेटे हैं, दोनों बहन हैं, और दोनों मेरे भांजे आ रखे हैं इस समय, एक एक बेटा है दोनों नंदों के पास मेरे यहाँ। और देखिए प्रीति से चिपके पड़े हैं, और आपको एक बात बताएं, आपको हंसी आएगी, ये दोनों भांजे मेरे ना प्रीति को बहुत प्यार करते हैं। नौमी के पास नहीं जा रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग मेरी आज हो रही है, एक्चुअली ये शुक्रवार को, बुधवार का वीडियो है। तो ये देखिए पापा भी खिला रहे हैं और बोल रहे हैं देखो सामने देखो मामी वीडियो शूट कर रही हैं। तो बस वीडियो का भी एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।